नज़र मोहम्मद उर्फ खासा जवां कॉमेडियन थे, अफगानिस्तान में खासे मशहूर थे। वे पहले पुलिस में नौकरी किया करते थे, बाद में अपनी हरकतों से लोगों को हंसाने का काम करने लगे। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर छा गए, लेकिन उनकी हरकतें कट्टरपंथी तालिबान को पसंद नहीं थी। तालिबान समर्थक उन्हें क्रूर और हत्यारा तक कहा करते थे। लेकिन अब अफगानिस्तान में फिर से मजबूत हो रहे तालिबान ने नज़र मोहम्मद की हत्या कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है, जिसमें कई हथियारबंद लड़ाके कॉमेडियन नज़र मोहम्मद उर्फ खासा जवां को कार में बिठाते दिखाई दे रहे हैं। कार की पिछली सीट पर बिठाए गए नज़र मोहम्मद को थप्पड़ भी मार रहे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खासा की हत्या 19 से 25 जुलाई के बीच कंधार प्रांत में की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि तालिबान ने कॉमेडियन को पहले उनके घर से पकड़ा और फिर एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद गला काट कर हत्या कर दी गई। उनकी लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। अफगानियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले मशहूर कॉमेडियन की हत्या से पहले तालिबान ने इनकार किया था, लेकिन अब सामने आया है कि ये बेरहम हरकत उसी कट्टरपंथी तालिबान की है। इसकी पुष्टि अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी की है। अखबार के मुताबिक तालिबान ने अपने प्रवक्ता जैबुल्ला मुजाहिद के जरिए इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि जैबुल्ला मुजाहिद का कहना है कि अभी इस मौत की जांच की जाएगी, क्योंकि किसी भी दोषी को पहले इस्लामिक कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, उसी के बाद मौत की सजा दी जाती है। बता दें कि इससे पहले तालिबान के एक दूसरे प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने खासा की मौत की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। खासा का वीडियो सामने आने के बाद तालिबान की हरकत पर दुनिया भर में गुस्सा है। तमाम एक्टिविस्ट और कलाकार इस हमले को अफगानिस्तान के अंधेरे भविष्य की निशानी करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान के दूसरे उपराष्ट्रपति सरवर दानिश ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, ये अफगानिस्तान के लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, मानवता और मानवीय गरिमा का अपमान है, ये न्याय ज्ञान और कला का अपमान है। अफगानिस्तान में अमेरिकी राजनयिक मिशन के मुखिया रॉस विल्सन ने भी ट्विटर पर इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा, नज़र मोहम्मद खासा गर्दिश में भी अपने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते थे। तालिबान ने उन्हें अगवा किया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद बेशर्मी से इसके सबूत में ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया, हम इस तालिबान लीडरशिप और इस घृणित हरकत की निंदा करते हैं। तालिबान कट्टर इस्लाम के नाम पर गीत संगीत पर रोक और अजीबोगरीब पाबंदियों के लिए कुख्यात रहा है। 1996 से 2001 के दौरान जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था, उस दौरान महिलाओं पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई थी। बिना पुरुष के साथ महिलाओं के घर से निकलने पर रोक थी। पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने और पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। संगीत और मनोरंजन पर तो सख्त पाबंदी थी। नियमों का पालन ना करने वालों को सबके सामने कोड़ों से पीटा जाता था। अब करीब 20 साल बाद फिर से उभर कर सामने आ रहे तालिबान का खौफ अफगानिस्तान के लोगों में बैठ रहा है। जिन इलाकों पर तालिबान ने फिर से कब्जा जमा लिया है, वहां से लड़कियों के स्कूल बंद होने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और उसके साथी देशों की सेनाओं ने अफगानिस्तान में तकरीबन 20 साल तक आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद अब वापसी कर ली है। 9/11 हमले के बाद अमेरिकी सेना ने 2001 में अफगानिस्तान पर धावा बोला था। जंग के दौरान तालिबान को समेट दिया था, लेकिन पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला लिया। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसे लागू किया। अफगानिस्तान में जो थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं, उन्हें भी सितंबर तक वापस बुला लिया जाएगा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में तेजी से अपने पैर पसारे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगान फौजों को इलाके वापस लेने के लिए जदोजहद करनी पड़ रही है। अफगानिस्तान में हो रहे इस बदलाव से भारत भी चिंतित है। तालिबान लड़ाके भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। दानिश वहां रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट की हैसियत से कवरेज के लिए गए थे। तालिबान के बढ़ते आतंक को देखते हुए कंधार स्थित दूतावास से भारतीय स्टाफ को वापस बुलाया जा चुका है। इन दिनों दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने भी भारत ने अफगान का मसला उठाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा कि अगर अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का कब्जा हुआ तो वो एक परिहा स्टेट यानी अलग थलग पड़ गए देश में बदल जाएगा। वहीं तालिबान के नेता नए सहयोगी की तलाश में चीन पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान का यह रवैया क्या गुल खिलाता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।